मेषराज इन लोगों की मदद करेंगे। आपको जिम्मेदारियों का एहसास होगा और उनको अच्छी तरह निभा भी लेंगे। आसपास के लोगों से सहानुभूति रखें, लोग आपसे खुश रहेंगे। कुछ जरूरी मामलों पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा। ऑफिस के किसी काम में अपने साथ के लोगों से भी आगे निकल सकते हैं। किस्मत से पूरा होता काम आपको खुशियां दे सकता है। सफलता का पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। आपको अनजाना सहयोग मिल सकता है। दूसरों की मदद करें, दूसरों से मीठा बोले। नेगेटिव, कुछ लोग गुप्त रूप से आपका विरोध कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो खुद का ही नुकसान हो सकता है। किसी तरह की राजनीति में आप उलझ सकते हैं, इससे आपका समय भी खराब हो सकता है। थकान और तनाव की स्थितियों में फंस सकते हैं। ऑफिस में कठिन स्थिति भी बन सकती है। आप कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जोश में आकर ना करें। क्या करें? अपनी बहन, मौसी या किसी भी महिला मित्र को मिठाई खिलाएं। लव, आपकी लव लाइफ सामान्य रहेगी। दिन भी खुशनुमा रहेगा। पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। करियर कार्यक्षेत्र में सहयोग तो नहीं मिलेगा, लेकिन खुद के दम पर महत्वपूर्ण काम आप निपटा ही लेंगे। शेयर मार्केट में फायदा होने के योग बन रहे हैं। हड़बड़ी में कोई फैसला ना लें। स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ, ज्यादा मेहनत से परेशान हो सकते हैं। सिर दर्द भी हो सकता है। वृषभ, पैसों के मामले में सफलता मिल सकती है। पैसों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए आपको कई मौके मिल सकते हैं। धैर्य रखें, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें। कोशिशों से आप अपने लिए कुछ नए मौके निकाल सकते हैं। ज्यादातर कोशिशों से आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। खुद पर भरोसा रखना होगा। कोई गोपनीय बात भी आपको पता चल सकती है। कोई प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। किसी को प्रपोज करते हैं तो उसे स्वीकार किए जाने की संभावना है। किसी खास व्यक्ति के लिए आपके मन में रोमांटिक विचार रहेंगे। दोस्तों से भी मदद मिलेगी। नेगेटिव, तुनक मिजाजी और ज्यादा संवेदनशीलता के कारण आप परेशान हो सकते हैं। छिटपुट विवाद या गलत फहमी खुद पर हावी ना होने दे। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। कोई काम ना हो तो उसे छेड़े नहीं। चंद्रमा के कारण मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। जो काम आपको पसंद नहीं उसे बिल्कुल नहीं करें। अपनी निजी जरूरतों के प्रति सावधान रहेंगे। किसी भी मामले में कोई सुधार या किसी तरह का बदलाव करने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। पैसों का तनाव चलता रहेगा। क्या करें? दूध पानी पिए। लव, अपनी जिद पार्टनर पर ना थोपे। दिन सामान्य है। संबंधों में कोई समस्या है तो बड़ों की मदद ले सकते हैं। करियर, नौकरी पेशा लोगों को तनाव से मुक्ति मिल सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों को मनचाहे हालात से सुख मिलेगा। स्टूडेंट्स परेशान हो सकते हैं। थोड़ा तनाव भी रहेगा और पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। हेल्थ, चोट लग सकती है। वाहनों से सावधान रहे। मिथुन, पॉजिटिव, बहुत सारे कामकाज निपटाने के लिहाज से आपके लिए दिन खास है। लोग आपसे सलाह लेंगे और आप शांत और सौम्य अंदाज में उनकी मदद करेंगे। गोचर कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा होने से आपकी राशि के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। उलझे हुए काम सुलझ जाएंगे। सही ढंग से विचार करके ही कोई योजना बनाएं। पुराना काम निपटाने के लिए आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। धैर्य रखें, हर काम को ध्यान से करें। प्रेमी के साथ समय बीतेगा। नेगेटिव, माता पिता या किसी रिश्तेदार की चिंता हो सकती है। कोई कदम उठाने में आप जल्दबाजी ना करें। आप कुंठित भी हो सकते हैं। आपका खर्चा बढ़ सकता है। पुराने मामलों और समस्याओं से मूड खराब हो सकता है। कामकाज के मामले में आप थोड़े सुस्त रहेंगे। क्या करें? किसी पंडित जी से दाहिने हाथ में मोली कलावा बंधवाएं और उनको दक्षिणा दें। लव, अपने मन की बात कहने में आप थोड़े संकोची हो सकते हैं। पुराने प्यार से भी मुलाकात हो सकती है। लव पार्टनर पर खर्चा होगा। करियर, आप कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं। मेहनत बढ़ी हुई रहेगी। गलत बातों और कामों को सही बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा।
कुछ लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लग पाएगा, हेल्थ सावधान रहे, आलस्य और थकान हो सकती है। कर्तव्य अपने लक्ष्य को लेकर बहुत मेहनत कर सकते हैं, धन लाभ के पूरे योग हैं, नया बिजनेस, पार्टनरशिप और रोमांस के लिए दिन अच्छा है। कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं, सोच समझ कर फैसला ले, आज आपकी तारीफ होगी, धन लाभ होगा, परिवार के सहयोग से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नेगेटिव, किसी मामले में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है, बिजनेस में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, पुराने लेन देन को अनदेखा ना करें। कार्य क्षेत्र में मतभेद के योग हैं, कई मामले और समस्याएं आपके सामने एक साथ आ सकती हैं, किसी काम पर आसानी से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, खुद पर कंट्रोल करें, फालतू कामों में उलझ सकते हैं, इससे आपका समय भी खराब हो सकता है। क्या करें, पुरानी बेकार फाइलें और फालतू कागज फाड़ कर फेंक दें, काम करने की टेबल साफ रखें, लव पार्टनर की बात या जरूरत समझे बिना उस पर हावी होने की कोशिश ना करें, खुद पर नियंत्रण रखें, पार्टनर से प्यार, सरप्राइज और सहयोग मिलेगा, करियर समझदारी का फायदा भी मिलेगा, बिजनेस में नई संभावनाएं देखें, समय आपके लिए अनुकूल है, कुछ स्टूडेंट्स को उम्मीद से कम परिणाम मिल पाएंगे, हेल्थ, पेट के रोग हो सकते हैं, सावधान रहें, किसी तरह की एलर्जी भी हो सकती है। सिंह, पॉजिटिव आपके लिए दिन अच्छा है, बहुत से कामकाज में मन लगेगा, चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे, अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है, समय अच्छा है, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए ऑफर मिल सकते हैं, चाहे वो लव लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हो। पैसों की स्थिति में बदलाव के योग बन रहे हैं, लंबे समय से रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। नेगेटिव, धन लाभ के योग हैं, विवादों और विवादित लोगों से दूर रहना होगा, कोई बड़ा फैसला करने के पहले अच्छे से सोच विचार जरूर कर ले, कुछ गलत फैसले भी होने की संभावना बन रही है, खर्चा बढ़ सकता है, फालतू चीजों की खरीदारी भी हो सकती है, ऑफिस में गलत फहमी या किसी से अनबन हो सकती है, बेवजह कोई जोखिम ना ले, उससे आप परेशान हो सकते हैं। क्या करें, साल से कम उम्र की कन्या के पैर छुए, लवनिजी संबंधों पर बाहरी मामले हावी हो सकते हैं, प्रेम से सभी मामले निपटाने की कोशिश करेंगे, वाणी पर संयम रखें, करियर कुछ मामलों में आपको दुश्मनों पर जीत मिल सकती है, कार्य क्षेत्र और बिजनेस में सितारे साथ देंगे, स्टूडेंट्स अच्छी मेहनत करेंगे, पुरानी मेहनत का फल भी मिल सकता है, कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, हेल्थ आपकी सेहत ठीक ठीक रहेगी, पुराने रोग भी खत्म हो सकते हैं। कन्या, पॉजिटिव, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वीं राशि में रहेगा, आप योजनाएं बनाएं और उस पर काम शुरू कर दें, आपके पास रोजगार नहीं है तो भी आप किसी ना किसी आमदनी का जरिया खोज लेंगे, नए विचार आपके मन में आते रहेंगे, आत्मविश्वास और सकारात्मकता दोनों बहुत अच्छी स्थिति में है, खुली बातचीत आपको अच्छे मौके दे सकती है, परिवार में सुख शांति रहेगी, जरूरी कामकाज के लिए कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। नेगेटिव, कन्या राशि के कुछ लोग रोजगार से असंतुष्ट हो सकते हैं, सावधान रहें, आप किसी चीज में अति कर सकते हैं, ज्यादा चतुराई आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, सावधान और गंभीर रहे, थकान भी महसूस हो सकती है, किस्मत का सहयोग नहीं मिलने से थोड़ी निराशा जरूर हो सकती है, आप किसी षड्यंत्र के शिकार भी हो सकते हैं, दूसरों के चक्कर में समय खराब हो सकता है, आपको इसका अफसोस भी हो सकता है। क्या करें, पूर्व दिशा में अपने इष्ट देव को दीपक लगाएं, दीपक में कुमकुम डालें और पास में लाल फूल रखें, लव आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, कई उमंग और हसरते भी आपके मन में रहेंगी, पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, रिश्तों को संभालना होगा, करियर बिजनेस और कार्य क्षेत्र के लिए दिन कुछ खास नहीं होगा, नया निवेश ना करें,
खर्चे बढ़े हुए रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को कम मेहनत में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। हेल्थ सेहत को लेकर सावधान रहे। तुला का जेठ जिन छोटी मोटी चीजों की इच्छा करेंगे वह पूरी हो जाएंगी। गोचर कुंडली के लाभ भाव का चंद्रमा आपके लिए शुभ रहेगा। दिन यादगार हो सकता है। उत्साह रहेगा। किसी योजना या परेशानी का समाधान मिल सकता है। कोई व्यक्ति आपके लिए मददगार हो सकता है। आपको जरूरत के समय किसी ना किसी की मदद मिल सकती है। किए गए कामों से फायदा हो सकता है। कर्जे से छुटकारा मिल सकता है। संकोच और घबराहट खत्म हो सकती है। बिजनेस में भी फायदा हो सकता है। नेगेटिव, आप अपनी ही गलती छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। ज्यादा चतुराई से भी आपको नुकसान हो सकता है। जरूरत से ज्यादा काम होने से आपको थकान हो सकती है। तुला राशि के लोग थोड़े संभल कर रहे, क्या करें? किसी मंदिर या धर्म स्थान पर निशुल्क सेवा दें। लवली पार्टनर से सहयोग मिलेगा। मन में जो चिंता है उसे खुलकर बताएं। पार्टनर से पुराने संबंध सुधरेंगे। करियर दिन की शुरुआत अच्छी होगी। अपने आप को किसी से कमजोर ना समझें। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी होगी। हेल्थ, पेट की तकलीफ हो सकती है। मधुमेह के रोगी खुद का ध्यान रखें। लंबी यात्रा पर जाने से बचें। सेहत भी बिगड़। वृश्चिक राशि, ज्यादातर काम पूरे होने से आप खुश हो जाएंगे। जो प्लान करेंगे उसका अच्छा फल भी मिल सकता है। आपकी योजनाएं सफल हो सकती है। थोड़ा धैर्य रखना होगा। अपने काम से काम रखें। अपने मन की बात दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। उनसे आपको मदद मिल सकती है। आप बॉस के सामने अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। वेतन वृद्धि को लेकर आपके दिमाग में कई तरह के विचार आ सकते हैं। नेगेटिव, ऑफिस में विपरीत लिंग के लोगों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा हो सकते हैं। कोई अनजाना डर भी परेशान कर सकता है। आज आप जितना सोचेंगे उतने परेशान हो सकते हैं। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। क्या करें? पीपल के पेड़ के नीचे तिली के तेल से दीपक लगाएं। लवली लाइफ में किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा। आप किसी तरह का जोखिम उठाने से बचें। पार्टनर के लिए ईमानदार रहें। करियर, कोई बड़ा सौदा करना चाह रहे हैं तो करें। कोई बड़ा फैसला भी आप ले सकते हैं। नई नौकरी की बात भी आपके दिमाग में चलती रहेगी। पैसों से जुड़े काम करने का दिन है। स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स को मानसिक तनाव रहेगा। हेल्थ, पुराना रोग भी खत्म हो सकता है। कोई जटिल स्थिति है तो वह भी बिगड़ सकती है। धनु, गोचर कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा है। पिछले दिनों की मेहनत से आपको किस्मत का साथ मिलेगा और काम भी पूरे हो जाएंगे। नौकरी, बिजनेस और करियर के मामलों में आगे बढ़ने का समय है। आपकी पहचान और हैसियत बढ़ सकती है। नौकरी, बिजनेस और करियर के मामलों को लेकर आप उत्साहित हो सकते हैं। बहुत ही सोच विचार करके कोई बड़ा फैसला लें। संतुलन और अनुशासन लगातार रखें। आमदनी बढ़ सकती है। सामाजिक दायरा भी बढ़ा हुआ रहेगा। उत्साह भी भरपूर रहेगा। किसी दोस्त के लिए आप बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों से मिल सकते हैं। सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। आप अपने काम योजना बनाकर पूरे कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन आपके लिए सुखद रहेगा। कामों को लेकर आप समर्पित रहेंगे। माता पिता से भी मदद मिल सकती है। नेगेटिव, बड़ा फैसला लेने में भी परेशानी महसूस हो सकती है। कोई कदम उठाने और कोई बात कहने के लिए काफी सोच विचार करना जरूरी है। कोशिशों में थोड़ी सी कमी होने से आपके काम अधूरे रह सकते हैं। गलत समय और गलत स्थान पर अपना उत्साह दिखा देना नुकसानदायक हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। क्या करें? किसी भैरव मंदिर में काले कपड़े पर उड़द रख कर उस पर तेल का दीपक लगाएं। लव पार्टनर अलग अलग ढंग से प्रेम जताएंगे। दिन अच्छे से बीतेगा। पार्टनर के सहयोग से धन लाभ होगा। इनकम बढ़ सकती है।
करियर ऑफिस और बिजनेस के कई मामलों में फायदे का दिन है। किसी प्रतियोगिता का नतीजा आना है तो आपको अच्छी खबर मिल सकती है। कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मकर पॉजिटिव मन की बात करने और दूसरों से बातें करने में भी आपको पूरी रुचि रहेगी। बीती बातें मन में चलती रहेंगी। दिन में आपको कुछ सुखद एहसास भी हो सकते हैं। किसी काम के लिए आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो सकती है। यात्रा की योजना बन सकती है। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। बस समय के साथ चलते रहे। दूसरों की मदद भी करनी होगी। इन मामलों को अपने स्तर पर आसानी से सुलझा सकते हैं। आज किसी नई बात या किसी छिपी हुई बात का पता लगाने में भी आप सफल रहेंगे। मनोरंजन का मौका मिल सकता है। नेगेटिव किसी बात या स्थिति के कारण आप बेचैन हो सकते हैं। चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। इससे आप परेशान रहेंगे। अचानक नुकसान हो सकता है। आप थोड़ा सावधान रहे। परिवार के लोगों से बहस हो सकती है। कोई गलत काम आपने नहीं किया है, फिर भी आप पर आरोप लग सकता है। संभल कर रहे। क्या करें, किसी भी मंदिर के दरवाजे पर हल्दी और चंदन से स्वस्तिक बनाएं। लव पार्टनर को भावनाएं जताने का मौका दें। पार्टनर से सुख मिलेगा और दिन यादगार भी बनेगा। पार्टनर की रुचि को समझने की कोशिश करेंगे। करियर रूटीन कामों से फायदा और धन लाभ हो सकता है। नए पार्टनर मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स खुश रहेंगे। स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिलेगी। हेल्थ आपकी सेहत में मामूली गिरावट आ सकती है। कुंभ पॉजिटिव मन की बात किसी से शेयर करने की इच्छा रखेंगे। धन संबंधित काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। गोचर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा होने से आपको फायदा हो सकता है। पैसों के मामलों में किसी तरह की मदद की जरूरत है तो आज आसानी से मिल सकती है। मन बहुत सक्रिय रहेगा और आपको किसी अच्छी घटना के इशारे भी मिल सकती है। भावुकता भी ज्यादा रहेगी। नेगेटिव विचार दूर होंगे। सामने आ रहे अवसरों का प्रयोग करें। आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो सकता है। कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। परिवार की मदद मिल सकती है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले सलाह जरूर कर ले। नेगेटिव कम बोलना चाहिए। अपनी बात को जितना हो सके छोटा रखने की कोशिश करें। कोई इंसान पैसों के मामलों में जबरदस्ती कर सकता है। आप किसी दबाव में आकर कोई फैसला भी आपको लेना होगा। टेंशन या डर में कोई फैसला ले सकते हैं। आप खुद का ही नुकसान करवा सकते हैं। कल्पनाओं में अपना समय ना गंवाएं। बात बात में तैश में ना आए। क्या करें, लाल कपड़े में सौंफ बांध कर बेडरूम में रखें। लव आज आप पार्टनर की चाल में फंस सकते हैं। लव लाइफ में कोई अच्छा बदलाव भी हो सकता है। करियर कार्य क्षेत्र और बिजनेस की नई योजनाओं पर विचार हो सकता है। समय आने पर फैसला होगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। कुछ नई चीजें भी सीख लें। हेल्थ मानसिक तनाव और सिर दर्द हो सकता है। मीन पॉजिटिव दिन भर बिजी रहेंगे। कामकाज से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। अपने कामकाज पर आपको प्राउड फील होगा। लोगों की मदद मिल सकती है। पार्टनरशिप के मामलों में कोई परेशानी है तो वो सुलझ सकती है। प्रेम और रोमांस के विचार दिल दिमाग में चलते रहेंगे। कोई रिश्तेदार भी आपसे पैसों की मदद ले सकता है। कोई ना कोई काम लगातार बना रहेगा। विवाद और कोर्ट संबंधित अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव आज उधारी और वसूली के मामलों में किसी से विवाद ना करें। आज आप लोगों पर अपना प्रभाव जताने के लालच में ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। आपका फायदा यानी आपकी मेहनत का फल किसी और को भी मिल सकता है। इमेज भी खराब हो सकती है। कोई अपना खास इंसान विश्वासघात कर सकता है। खर्चा बढ़ सकता है। कर्जा लेना पड़ सकता है। क्या करें, काली चींटियों को चीनी खिलाएं। लव पार्टनर को खुश करने के लिए किसी मामले में अति कर सकते हैं। हो सकता है कि पार्टनर आपकी भावनाएं ना समझे। करियर कार्य क्षेत्र और बिजनेस में संभल कर काम करें। पैसों का ध्यान रखें।
विवाद से बचें। कैंपस में समय खराब हो सकता है, घर पर ज्यादा अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। हेल्थ सेहत खराब हो सकती है, हल्की हरारत भी हो सकती है, चोट भी आ सकती है। Thank you.